पुलिस लाइन स्थित साइबर थाने में एक परिवादी के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी होने का मामला सामने आया है, जिसमें थाने के एएसआई मनीष कुमार ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि परिवादी की खुद की एक वेब व्हाट्सएप मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जहां किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया जिसमें उस व्यक्ति ने गेमिंग सॉफ्टवेयर में निवेश व ड्रीम इलेवन जैसी नामदा कंपनी में निवेश करने का झांसा दिया, जहां बदमाशों ने उस अज्ञात व्यक्ति को उदयपुर बुलाया। पीड़ित गेमिंग सॉफ्टवेयर में निवेश के लिए उदयपुर चला गया, जहां पर बदमाशों ने उसकी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट और जरूरी कागजात जब्त कर लिए और पुलिस को पकड़वाने का हवाला देते हुए धोखाधड़ी की, जहां बदमाशों ने कंपनी से लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन किया, जिसके तहत पीड़ित ने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभिषेक दादी जी परिवादी हैं, उन्होंने एक माननीय न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु निवेदन करते हुए ये परिवाद दर्ज करवाया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए निर्देशित किया। परिवाद में परिवादी का ये कहना है कि उसकी एक वेब वॉट्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्म है, उसके पास किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और उसे ये झांसा दिया गया कि वो साइबर ये गेम्स के जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो बनाते हैं, और ड्रीम्स इलेवन जो एक नामी सॉफ्टवेयर है कंपनी है, उसमें भी उसकी पार्टनरशिप है, उसमें उनको निवेश के नाम पे उसको झांसा दे करके उदयपुर बुलाया गया, और इसकी झांसे से इसके जो ये खुद की फर्म थी, इस फर्म के डॉक्यूमेंट और अकाउंट वगैरह उससे ले लिए, और उसके बाद में उसको एक पुलिस का भय दिखा करके उसको वहाँ से रवाना किया। परिवादी का ये कहना है कि उसकी इस डिटेल लेने के बाद में उन अज्ञात आरोपियों द्वारा उसमें लाखों का करोड़ों का लेन देन करके उसे एक साइबर फ्रॉड में फंसाया जा रहा है। ये शिकायत उस परिवादी द्वारा दी गई है, जिसपे प्रकरण पंजीबद्ध किया जा करके और अनुसंधान किया जा रहा है। कोई पैसे वगैरह भी निकले अभी इसमें परिवाद के अंदर तो रकम का कोई हवाला नहीं है, अभी अनुसंधान से आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।